अच्छा खासा रश है, लाइक संडे है इसलिए ये सारी साग सब्जियां ले ली है इकट्ठी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज़ रचना। आई अपलोड हेयर एवरी डे अबाउट होम मेकिंग एंड माय लाइफस्टाइल टू। इफ़ यू लाइक सच कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। और आज दिन है मंगलवार एंड ये व्लॉग संडे एंड मंडे का मिक्स व्लॉग है। जस्ट मैंने वहीं से स्टार्ट किया है इस व्लॉग को जहाँ से कि मैंने एंड किया था। मम्मी, हाँ, गेट लगा लीजिए। हाँ ठीक। पीछे संध्या मासी आ रही है, बाजार लेके निकली हूँ। काफी अच्छा खासा रश है, लाइक संडे है इसलिए ये सारी साग सब्जियाँ ले ली हैं इकट्ठी। मैं तो जब बैठी हूँ संडे को क्या करेंगे, चलते हैं। आप निकल रहे हैं घर। अच्छा खासा मार्केट लगा हुआ है, चप्पल वगैरह सारा सब कुछ बिक रहा है। यहाँ ये घर से कम कुछ नहीं तो 1 किलोमीटर दूर है मार्केट। सो संडे शाम का टाइम था और मेरे घर के बाहर भी कुछ हल्का फुल्का मार्केट जिसको बोलते हैं वो लगता है, बट बंद था। शायद संडे था इसलिए बंद था। तो मैंने सोचा कि चलो इस टाइम पे फ्री हूँ तो संध्या मासी को साथ में ले जाके मेरे घर से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बहुत बड़ा बाज़ार लगता है, तो वहीं से इकट्ठी बहुत सारी साग सब्जियाँ लेकर आई, कुछ नमकीन लेकर आई। और जैसे इकट्ठा जैसे राशन भरते हैं, अब रहते रहते कुछ दिन तो हो ही गए हैं तो राशन ख़त्म भी हो रहा है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने नहीं भरा था इसलिए अभी मैं थोड़ा इकट्ठा ही लेकर के आई हूँ। और ये थोड़ी सी मेथी थी तो ये आलू मेथी बन गई थी रात के लिए, सब खा चुके थे। बस ये ज़रा सी जो सब्जी है, थोड़ी दाल रखी हुई थी, उसके बाद फिर मैंने और संध्या मासी ने ले लिया था। सो बस ये हमारा डिनर था, सिंपल सा बिल्कुल, मगर काफ़ी टेस्टी था। यहाँ खड़े होके हम दोनों ने रोटी पराठे जो भी जिसको खाना है वो बनाया। सुबह के लिए जो एक्स्ट्रा रोटी बनती है, लाइक मैं नाश्ता करती हूँ, 2 रोटी मैं लेती हूँ, और एस्ट्रो की रोटी बनती है जो संध्या मासी हैं वो भी लेती हैं सुबह नाश्ते में रोटी। तो इस तरीके से थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ब्रेड ऑल टाइम अवेलेबल रहती है बट एकदम मेरा मन नहीं करता है ब्रेड खाने का। 2 या 3 महीने में कोई एक बार अगर मैंने ब्रेड बटर लिया तो लिया, अदरवाइज़ मैं नहीं लेती हूँ ब्रेड। और बस यहाँ पर बना लिया था और सारा सामान लगा के फिर मैं जाके सो गई थी। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो सुबह से काफ़ी कुछ काम किए हैं। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और ये जो कपड़े रखे हुए हैं तो बस ये जो सूख गए थे इनको भी उतार के रखे हैं। और यहाँ सारा ही मंदिर क्लीन करने के बाद में की है मैंने पूजा, और बस उसके बाद मेडिसिन लेके नाश्ता वगैरह किया है। फिर मैंने बाद में बनाई है होली स्पेशल बिल्कुल धमाकेदार मूँग दाल भरवा कचौड़ी। तो इसको आप पूरे 1 महीना तक स्टोर करके एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं, जब मन करे तभी गर्म करके खाइए। तो अब डेली ही ब्लॉग में कोई ना कोई रेसिपी आपको होली की देती ही रहूँगी मैं, जैसे कि हमेशा ही आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी पूजा करके नाश्ता वगैरह करके बिल्कुल फ्री हूँ। अब बनाऊँगी
होली के लिए स्पेशल जो जो चीज़ बनाऊंगी। अब जैसे कि मैं पिछले साल के जो होली के व्लॉग्स हैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैं आपको शेयर करूंगी वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या जो कार्ड्स आते हैं उसमें आप जाके देख सकते हैं। सारे स्नैक्स, चाट, पापड़ी, एवरीथिंग सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। तो बस अब क्या है कि अभी होली में कुछ नहीं तो पूरे पूरे 13 से 14 दिन बाकी है। सो आस्ते आस्ते जैसे जैसे व्लॉग्स चलते रहेंगे बस एक एक दो दो रेसिपीज ऐसे मैं शेयर करती रहूंगी। तो वो क्या है कि एक बार में इकट्ठा बनाओ तो फिर मैं भी थोड़ी थक जाती हूँ बनाते बनाते, और आप भी थक जाएंगे। एक दिन में सारी प्रिपरेशन करेंगे तो थक जाएंगे। तो वही आस्ते आस्ते शेयर करूंगी। और अभी फिलहाल बनाऊंगी मूंग दाल की भरवा खस्ता कचौड़ी होती है, वो बेहतरीन बनती है। एक महीना तक आप उसको स्टोर कर सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में, गर्म कीजिए और खाइए, बड़ी मज़े की बनती है। तो वो अभी बनाऊंगी, उसके संग देखती हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो एक चीज़ और बनाऊंगी, अदरवाइज खाली वही बनाऊंगी। वहाँ संध्या मासी बना रही हैं खाना किचन में, तो बन रहा है दाल चावल, अरहर की दाल चावल, रोटी, भिंडी की भुजिया, आलू की भुजिया। तो नॉर्मल वाले खाने हैं इसलिए कुछ क्या बनाते हुए दिखाऊँ, तो बस अब वो बनाऊँगी जाके। सो यहाँ मैंने मूंग दाल गला दी थी, तकरीबन इसको 2.5 घंटे हो गए गले हुए, मतलब सुबह उठ के ही मैंने गला दी थी दाल को, तो काफ़ी समय हो गया गले हुए। 2 से 2.5 घंटा गल जाए काफ़ी है। तो इसको पीस लीजिए और ट्राई कीजिएगा कि इसमें पानी ना जाए, और अगर हल्का फुल्का जाता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। सारा जो कचौड़ी मैं बना रही हूँ उसको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊँगी आपको, ताकि आपको बनाने में काफ़ी ईजी रहेगी। तो बस इसको मैंने डाल के और दरदरा यहाँ पे पीस लिया था। और कचौड़ियों के लिए जब आप दाल पीसेंगे तो उसको बिल्कुल भी फाइन पेस्ट मत बनाइएगा, इस तरीके से दरदरा रखिएगा, कुछ पिसी हुई और कुछ जैसे खड़ी दाल होती है, तो ऐसी ही दाल कचौड़ी में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो बस ये पिस गई थी, एक ही बार मैंने चर्न किया है उसी में हो गई, क्योंकि काफ़ी देर पहले से इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था। सो यहाँ ले लिया है मैंने मैदा, तो ये 1 किलो का पैकेट है, बट पूरी 1 किलो मैदे की मैंने नहीं बनाई है, तो 650 से 700 ग्राम मैदा होगा, तकरीबन 300 ग्राम मैदा मैंने बचा दिया था। तो बस उस हिसाब से ही मैंने दाल को भिगोया था, ताकि जो पिट्ठी है, स्टफिंग है, उसको अच्छी तरीके से जैसे भर भर के कचौड़ियों में रहे तो खाने में भी अच्छी लगती है। और मैदा लिया है, आप चाहें तो इसमें गेहूं का आटा भी मिक्स कर सकते हैं, वैसे भी अच्छी बनती है। सो इसमें डाल रही हूँ मैं हिसाब से नमक, तो नमक ज़रा रोक के ही डालिएगा, क्योंकि नमक जो पिट्ठी तैयार करेंगे उसमें भी रहेगा। और हींग डाली है, और ये देसी घी का मैं डाल रही हूँ। देसी घी को या तेल को आप जो भी डालना चाहें उसको हल्का सा गर्म करके डालिएगा, तो ये गुनगुना है, तो इसको मैंने गर्म कर लिया है देसी घी को। आप चाहें तो घी के बजाय आप तेल भी डाल सकते हैं, घी से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, और जब अपने घर के लिए बना रहे हैं तो मैं तो कहूँगी कि आप देसी घी में ही बनाएं। तो बस ये घी मैंने डाल दिया है, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, जैसे कि ऐसे रब करके जो मिक्स करते हैं ऐसे, तो ऐसे कर लीजिए। इससे क्या है कि बहुत अच्छी तरीके से मिक्स होगा। और अब मैं आपको एक मुट्ठी बांध के दिखाती हूँ, देखिए तो रेशियो बिल्कुल परफेक्ट है और मोयन भी बिल्कुल परफेक्ट लगा है, तो ऐसे बंधना चाहिए। अब बस इसको नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं उससे इसको गूंद लेंगे, और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है और बहुत ही ज़्यादा नरम भी नहीं गूंदना है, मीडियम रखना है इसको। सो मैदा बहुत ही अच्छी तरीके से गूंद गया है, तो बस इसको अब रख के इसके ऊपर थोड़ा सा मैं घी लगा रही हूँ। अगर आप तेल का यूज़ कर रहे हैं तो आप तेल लगा दीजिए। तो बस इसमें लगा के और इसको ढक के रखना है तकरीबन 1/2 घंटे के लिए, और जब तक ये रेस्ट करेगा मैदा तब तक फिर वो स्टफिंग रेडी कर लेंगे। तो बस यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, और इसमें भी मैं डाल रही हूँ घी, क्योंकि मैं घर के लिए बना रही हूँ तो मैं देसी घी में ही बना रही हूँ,
और जो फ्राई करूँगी वो मैंने रिफाइंड में किया है, क्योंकि उसमें तो काफ़ी ज़्यादा घी लग जाता है। तो वही मैं जो तरीका हमेशा आपको बताती हूँ कि रिफाइंड में आप 2 से 3 चम्मच देसी घी का डाल दीजिए तो वो अच्छा टेस्ट आता है। तो बस घी गर्म हो गया है तो सौंफ डाली है और जीरा थोड़ा थोड़ा डाला है और हींग डाली है मैंने। बस ये ज़रा सा क्रैकल हो जाए यानी कि गोल्डन ब्राउन हो जाए हल्का सा तो सारे सूखे मसाले जो हैं वो डालेंगे। तो हल्दी डाल रही हूँ, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और डालूंगी अभी इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, वो काफ़ी इसमें अच्छा टेस्ट देता है, एक हल्का सा सौंधापन और तीखापन आता है। तो ये डाला मैंने काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला डाला है साथ में ही। तो बस इस टाइम पे आप इसमें ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर भी 1/2 टीस्पून डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। तो मसाले हो गए हैं, उसमें 4 छोटे टीस्पून के करीब मैंने बेसन डाला है। तो अभी बिल्कुल गैस स्लो ही रहेगी, गैस को मतलब फ्लेम को तेज़ नहीं करना है। तो भूनते हुए जब एक अच्छी खुशबू आने लग जाएगी उसके बाद इसमें डालिए ये जो दाल पीसी है। तो हल्का सा मॉइस्चर तो इसमें भी है ही, बट वो भुनने में पूरा ही ड्राई हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो स्टफिंग काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। बस इसको चलाते हुए और गैस को स्लो ही रखना है, गैस को तेज नहीं करना है। स्टार्टिंग में ये कढ़ाइया में चिपकेगी क्योंकि इसमें मॉइस्चर है, बाद में ये कढ़ाई खुद ही छोड़ देगी जब ये जैसे जैसे ड्राई होगी। तो इस टाइम पे चलाना बिल्कुल भी बंद मत कीजिए। और ये मैंने डाला काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट, और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ रेगुलर वाला नमक यानी कि नॉर्मल वाला, तो दोनों ही डाल रही हूँ मैं। तो नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, मिर्ची और नमक हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप डालें। ये देखिए ड्राई हो गई है बिल्कुल, एक एक हो गई है और कढ़ाइया छोड़ दिया है दाल ने, तो ये बिल्कुल रेडी है इस टाइम पे। तो गैस को मैंने कर दिया बंद, थाली में डाल दी थी स्टफिंग तो वो थोड़ी ठंडी भी हो गई ताकि भरने में थोड़ी सही रहे। और ये देखिए आधे घंटे के बाद में कितना बढ़िया सेट हो गया है मैदा। तो जो हम बाहर से खस्ता कचौड़ी मंगाते हैं वो थोड़ी हल्की सी मोटी और बड़ी ही होती है, तो उसी हिसाब से पेड़े काट लेंगे यानी कि लोई निकाल लेंगे। सो इस तरह की कितनी सारी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हुई आई हूँ पुराने वाले घर से। तो बहुत सी यादें मेरी उस घर से जुड़ी हुई हैं क्योंकि एक दिन 20 दिन या 22 दिन मैंने वहाँ नहीं बिताए, वहाँ मैंने 22 साल अपनी ज़िंदगी के बिताए हैं। तो इतना जल्दी भूल जाना पॉसिबल नहीं होता है, भूलूंगी तो खैर मैं कभी भी नहीं। तो उस घर से मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हैं, अच्छी बुरी हर किस्म की यादें जुड़ी हैं मेरी। सो जब मैं आपसे कनेक्ट हुई, आपसे मिली हूँ, तो उसी घर से ही मैं आपसे मिली थी। चलिए यादें तो यादें ही रहती हैं, वो भुलाई नहीं जा सकती कभी भी। सो बढ़ते हैं रेसिपी में भी आगे और ज़िंदगी में भी आगे। सो लोई काट ली थी और ये भरने का तरीका, स्टफिंग का तरीका मैंने आपको जब ड्राई फ्रूट कचौड़ी वगैरह बनाई थी तब भी दिया था। तो बस लोई बना लीजिए और इस तरीके से अंगूठे के बीच में रख के इसको भर लीजिए, बहुत ही ईजिली भर जाती है। बट इसका ध्यान रखिएगा कि बस ये फटे ना, नहीं तो इसमें तेल भर जाएगा और कचौड़ी हो जाएगी बिल्कुल बेकार, इसलिए टाइट आटा बिल्कुल भी मत गूंदिएगा। और मैं इसमें तेल यानी कि घी ही लगा के बेल रही हूँ, तो इसमें पलोथन लगा के यानी कि सूखा आटा लगा के बिल्कुल मत बेलिएगा, नहीं तो तेल पूरा गंदा हो जाएगा। 2-4 कचौड़ियाँ सेकने के बाद में फिर तेल को आपको छानना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत ही ईजिली भर जाती है। अगर आप ये कटोरी टाइप नहीं बना पाते हैं आटे को हाथ से, तो फिर आप थोड़ा हल्का सा बेल लीजिए और उसमें भर के फिर पोटली टाइप बना के आप कचौड़ी बनाइए। ज़रा ज़रा सा बेल रही हूँ क्योंकि देखिए यही साइज़ की कचौड़ियाँ जो हम बाहर से लाते हैं हमें मिलती है। तो ये सारा एकदम मैंने एक ही बार में बेला है और आस्ते आस्ते सेका है, देखिए कहीं से भी फटी नहीं है, बस दाल नज़र आ रही है कि दाल भरी हुई है। सो 4-4 कचौड़ियों को मैंने सेका है और गैस को बिल्कुल स्लो करके रखना है, हल्का मीडियम रख सकते हैं बट तेज़ फ्लेम पर मत कीजिएगा, तब ये बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी और बढ़िया बनेगी। तेज़ में अगर आप करेंगे तो फिर ये जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। सो ये एक बैच सिकने में आप समझ लीजिए कि 15 मिनट के करीब लगता है।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कढ़ाई कितनी बड़ी है, तो फिर ज़्यादा ऑयल डाल दीजिए तो ज़्यादा कचौड़ियाँ सिकेंगी। बट इसको फुल फ्लेम पर बिल्कुल भी मत सेकिएगा। तो चार चार करके मैंने सेकी हैं और बस यहाँ लगी हुई थी। फिर मैंने संध्या मासी को भी बुला लिया था कि भाई थोड़ी सी स्टफिंग अब आप कर दो, तो बस उन्होंने कर करके दी है। बाकी मैंने ही की थी और उन्होंने भी करके दी है। तो यहाँ बेल बेल के सेकने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, भाई त्यौहार का खाना है तो इतनी जल्दी तो बनने से रहा, मगर बनी बड़ी धमाकेदार थी, बड़ी मज़े की बनी थी। और इसके संग मिर्चें अच्छी लगती हैं, सो ये मिर्चें इसी के संग छोंक दी हैं। तो डाली इसलिए है क्योंकि कचौड़ियाँ जस्ट मैं निकालूंगी, तो जब तक कचौड़ियाँ निकाल के मैं प्लेट में रखूँगी तब तक मिर्चें रेडी हो जाएंगी। सो टू इन वन काम हो जाता है इस तरीके से। सो बस कचौड़ियाँ बन गई। अब मैं थोड़ी देर के बाद में आपको कचौड़ियों को तोड़ के दिखाऊँगी, तो आप उसकी आवाज़ से ही समझ पाएंगे कि मतलब कितनी बढ़िया क्रिस्पी बनी है और स्टफिंग कितनी अच्छी हुई है कचौड़ियों में। और ये मिर्चें अच्छी लगती हैं कचौड़ियों के साथ में। सो बस ये 6-7 मिर्चें मैंने छोंक ली थी। सो यहाँ काफ़ी कचौड़ियाँ मेरी बन के रेडी है, फिर भी थोड़ी बहुत बाकी रह गई थी, सो बाद में सेकी हैं। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और इस तरीके से प्लेटिंग करके जब भी मेहमान आए आपके यहाँ त्यौहार में सर्व कीजिए, तो मेहमान खा के जाएंगे तो आपकी तारीफ ही करके जाएंगे। अब आप आवाज़ सुनिए। सो इस होली ज़रूर ज़रूर से ये वाली कचौड़ी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी।